हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इमेजेस के बारे में देखा। इस वीडियो में हम टेबल्स के बारे में देखेंगे कि बूटस्ट्रैप कौन कौन से क्लासेस आपको टेबल्स के लिए प्रोवाइड करता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू पार्ट, इनके डॉक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्या बोलते हैं कि एड द बेस क्लास टेबल टू एनी टेबल। ठीक है, तो आप अगर नॉर्मल टेबल क्लास किसी भी टेबल के साथ यूज करते हैं तो इसका लुक एंड फील इम्प्रूव हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने टेबल क्लास दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेबल का स्निपेट अपने बूटस्ट्रैप एनवायरनमेंट में एडिटर में ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए कि यहाँ पे टेबल का एक एग्जांपल कोड यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको टेबल क्लास देता हूँ तो इसका लुक कितना चेंज हो जाएगा ये हम देखते हैं सर। ये देखिए, अगर मैं इस टेबल को टेबल क्लास देता हूँ तो इसका लुक एंड फील कितना चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं। अगर इसी को ही मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है लुक एंड फील। सो ये बेस क्लास बूटस्ट्रैप ने दी हुई है कि किसी भी टेबल में हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम वेरिएंट्स। वेरिएंट्स के डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल क्लासेस जो दी है इन्होंने कि उनके इंडिविजुअल रोज एंड सेल के लिए, वो देखते हैं। तो देखिए, टेबल के साथ हम टेबल के साथ डैश लगाकर, एक हाइफन लगाकर टेबल डैश प्राइमरी, टेबल डैश सेकेंडरी, ऐसे क्लासेस टेबल के साथ हम लोग लगा सकते हैं। ये देखिए, सारे कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं, लाइट डार्क तक। देन रोज के लिए भी इन्होंने इंडिविजुअल क्लासेस दिए हैं कि आप TR टैग के साथ टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, ऐसे क्लासेस रोज के साथ लगा सकते हैं और सेल के साथ भी लगा सकते हैं। मीन्स TD में भी आप ये क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, टेबल TD के साथ भी आप सेम क्लासेस लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इंडिविजुअल क्लासेस लगाकर टेबल के साथ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल पे ये क्लास लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लास लगाई, देखते हैं लुक एंड फील में क्या चल जाता है। देखिए, प्राइमरी कलर आ गया इसका। ओके, अभी अगर मैं सेम क्लास TR के साथ लगाता हूँ, टेबल रो के साथ, तो एक रो का कलर ही चेंज होगा। देखिए, ये हेड में मैंने लगाया, इसका कलर चेंज हो गया। सेम मैं अगर क्या करता हूँ, सेम मैं क्या करता हूँ, इसके साथ लगा देता हूँ, TD के साथ लगा के चेक कर लेते हैं, इंडिविजुअल सेल के साथ लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इंडिविजुअल सेल का क्लास भी चेंज हो गया, सॉरी कलर चेंज हो गया। सो ये हमारे पास फ्रीडम है कि सेम क्लासेस को हम डिफरेंट टैग्स के साथ लगा सकते हैं, लाइक टेबल के साथ भी लगा सकते हैं, टेबल रो के साथ भी लगा सकते हैं, TR TD के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये फ्रीडम इन्होंने दिया हुआ है। तो ये आप क्लासेस गूगल डॉक से रिफर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्राइप्ड रोज के लिए भी टेबल की क्लासेस हैं। मीन्स टेबल स्ट्राइप्ड अगर आप क्लास यूज करते हैं तो कोई भी टेबल स्ट्राइप्ड लुक में दिखेगा आपको। लाइक ये जो टेबल दिख रहा है आपको, एक स्ट्राइप्ड है ये हम टेबल के क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। हम यहाँ मैं आपको यहाँ यूज करके दिखा देता हूँ। ये सॉरी, 1 मिनट, ये सेव कर लेता, ये लुक देख लेते हैं। ये देखिए, ये इंडिविजुअल क्लास के साथ मैंने कॉन्टेक्चुअल क्लास लगाया था TD में, तो उसकी वजह से कलर आ रहा है। बाकी आप ये देख लीजिए, स्ट्राइप लुक आ रही है यहाँ पे, इंडिविजुअल चेंजेस आ रहे हैं। और हम लोग इसको अपने कस्टम स्टाइलिंग में इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट CSS हम बूस्टर से लेके उसको अपने पर्सनल में, हमारे कस्टम कोड के थ्रू उसको चेंज भी कर सकते हैं कलर कोड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल स्ट्राइप्ड का दिया हुआ है इन्होंने। ओके, ये मैं क्लास निकाल देता हूँ कंप्लीट लुक दिखाने के लिए आपको। देखिए, ये स्ट्राइप लुक आ रहा है। ठीक है, सो ये क्लास भी बहुत सही है, मतलब आपको अच्छा एक लुक एंड फील प्रोवाइड कर देती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, टेबल डार्क भी एक क्लास के साथ अगर हम टेबल स्ट्राइप्ड
CSS क्लास लगाते हैं तो ये वाला लुक आएगा जो अभी दिख रहा है आपको। तो डार्क लुक में भी हम स्ट्राइप्ड को ले सकते हैं, स्ट्राइप्ड वाला लुक एंड फील। ओके, सेम टेबल सक्सेस के साथ भी वो ले सकते हैं, मीन्स एनी काइंड ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्लासेस वी कैन यूज टेबल स्ट्राइप्ड। ठीक है, अभी टेबल होवर का एक क्लास है, आप टेबल के पर्टिकुलर रो पे होवर करेंगे, किसी भी रो पे, तो जो कलर चेंज हो रहा है उसके लिए इन्होंने होवर का भी एक क्लास दिया हुआ है। ये एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अपने कोड के साथ यूज करके। ठीक है, एक मिनट, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ होवर का क्लास। ये देखिए होवर में, अगर आप अलग अलग कॉलर सॉरी रोज में होवर कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है ना, ये टेबल होवर क्लास की वजह से हो रहा है। ओके, सो ये भी बहुत यूजफुल क्लास है। सेम हम टेबल डार्क के साथ भी सेम टेबल होवर यूज कर सकते हैं, देखिए ऐसा कलर चेंज होगा। और टेबल एक्टिव मीन्स एक्टिव कौन सा सेल है या रो है वो दिखाने के लिए इन्होंने टेबल एक्टिव का क्लास दिया हुआ है। हम लोग किसी भी टेबल रो के साथ और सेल के साथ ये क्लास यूज कर सकते हैं एक्टिव एनवायरनमेंट दिखाने के लिए, मीन्स हम लोग कौन सा रो उस पर्टिकुलर टाइम में एक्टिव है जिस पे काम हो रहा है ना, उस टाइप का आपको एनवायरनमेंट दिखाने के लिए ये क्लास यूज किया जा सकता है, उस टाइप के सिचुएशंस के लिए। सेम टेबल डार्क के साथ भी ये यूज किया जा सकता है। ओके, सो ये मेजर चीजें थी टेबल की, मींस बूटस्ट्रैप टेबल के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, कौन कौन से क्लासेस हैं। और हाँ, और ये नीचे एक और दिया हुआ है, ये देखिए ये टेबल बॉर्डर्ड, अगर किसी टेबल को हम लोग बॉर्डर लुक चाहिए जैसे ये दिख रहा है ना, तो हम लोग टेबल बॉर्डर्ड क्लास लगा सकते हैं, मीन्स फील्ड लुक नहीं चाहिए हमको, सिर्फ बॉर्डर लुक चाहिए, तो हम लोग ये वाला क्लास लगा सकते हैं। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं लगा के, ये देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए है ना, यहाँ पे मैं ये टेबल का क्लास हटा देता हूँ, ये जो फील्ड लुक आ रहा है ये आ गया, सॉरी ये सॉरी ये बीजी का क्लास हटा देता हूँ जिसकी वजह से वो फील्ड लुक आ रहा है। ये देख लीजिए, ये देखिए ये बॉर्डर वाला लुक आ गया। अगर ऐसा लुक चाहिए हम लोग को तो कौन सा क्लास लगाएंगे, हम लोग टेबल बॉर्डर का क्लास लगाएंगे। और बॉर्डर यूटिलिटीज जो है, जैसे बॉर्डर प्राइमरी बॉर्डर सेकेंडरी, वो यूटिलिटी क्लासेस टेबल बॉर्डर के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग कलर चेंज के लिए, बॉर्डर का कलर चूज करने के लिए, तो आप उसके लिए बॉर्डर कलर यूटिलिटीज का ये इस लिंक को रिफर कर सकते हो। यहाँ पे सारे बॉर्डर्स के कलर दिए हुए हैं, आप इसको रिफर कर सकते हो। ठीक है, और अगर हमको कोई टेबल विदाउट बॉर्डर चाहिए तो टेबल बॉर्डरलेस का क्लास है हमारे पास, ये आप डॉक में देख सकते हो, स्मॉल टेबल चाहिए तो टेबल एसएम का क्लास है। तो टेबल एस स्मॉल टेबल मीन्स वो क्या करता है कि आपकी थोड़ी थोड़ी पैडिंग रिड्यूस कर देता है, तो एक स्मॉल टेबल का लुक एंड फील आ जाता है। तो ये टेबल एसएम का क्लास हम लोग टेबल के साथ यूज कर सकते हैं, टेबल क्लास के साथ। ठीक है, और अगर टेबल के अंदर जो कंटेंट है उसकी अलाइनमेंट करनी है तो हमारे पास अलाइन का जो अलाइनमेंट के क्लासेस हैं, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, अलाइन टॉप, ये इंडिविजुअल टेबल सेल में भी यूज कर सकते हैं और टेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, टेबल क्लास के साथ। ये देखिए टेबल क्लास के साथ अलाइनमेंट अलाइन मिडिल का क्लास लगा हुआ है, तो उससे कंटेंट को अलाइन करने में काम आ जाता है ना। और नेस्टिंग का दिया हुआ है, आप एक बार डॉक में देख लीजिए नेस्टिंग के बारे में, ये कुछ नहीं है, टेबल के अंदर की नेस्टिंग के बारे में आपको बताया है कि एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल अगर हम लोग ले रहे हैं तो सेम क्लासेस हम लोग यूज कर सकते हैं, और उन क्लासेस को डिफरेंट इंडिविजुअल क्लासेस लाइक टेबल
साथ टेबल के स्ट्राइप्ड और टेबल होगा वो क्लासेस भी उसमें ले सकते, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जैसे टेबल है, टेबल के अंदर मैंने सात टेबल स्ट्राइप लिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक और टेबल है, मान लो ये देखिए टेबल, तो उसमें भी मैं टेबल क्लास लेके उसको कर सकता हूँ। तो ये नेस्टिंग का फंडा है। ओके, तो ये सारा दिया हुआ है, कैप्शन का भी देख सकते हैं आप। नहीं, कैप्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आप कैप्शन अगर उसमें देना है जैसे ये टेबल में, तो आप टेबल के साथ कैप्शन टॉप का क्लास अगर लगा देते हैं और टेबल के अंदर एक कैप्शन टैग डाल देते हैं, तो वो कैप्शन ऊपर आ जाएगा, उसको एक सीएसएस मिल जाएगी, है ना, एक लुक एंड फील आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर टेबल का कैप्शन है। बट मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट, आप इसको हैश टैग का भी यूज करके कैप्शन दे सकते हैं, हेडिंग देनी है कुछ तो, ठीक है। तो ये सारा चीज है टेबल का, टेबल रिस्पॉन्सिव। हाँ, टेबल रिस्पॉन्सिव भी इम्पोर्टेंट है। टेबल रिस्पॉन्सिव के लिए क्या दिया हुआ, मीन्स अगर आप एक टेबल लेते हैं और जैसे मान लो ये टेबल है और मैं इसको इसका व्यू चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये एक स्टेज के बाद ये कंप्रेस होता जाता है और एक स्टेज का ये ओवरफ्लो हो सकता है अगर इसमें कंटेंट ज्यादा है तो। ओके, बट अगर हम टेबल रिस्पॉन्सिव का क्लास, ये वाला क्लास टेबल के साथ यूज करेंगे, तो एक स्टेज के बाद जब टेबल ओवरफ्लो होता है तो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार आ जाएगा लाइक दिस। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल मीन कंटेंट अगर ओवरफ्लो हो रहा है यू पोर्ट से, और अगर आपने टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास लगा के रखी है, ये पेरेंट में टेबल के, ये टेबल है उसके पेरेंट में ड्यू ले लीजिए और उसको टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास लगा दीजिए, तो आउटर आउटर क्लास की वजह से एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आ जाता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। क्योंकि मोबाइल में अधिकतर क्या होता है, कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में अपने पास स्पेस कम होता है, तो जो राइट साइड का कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो जाता है व्यू पोर्ट से, तो हम लोग वहां पर टेबल रिस्पॉन्सिव का क्लास यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स भी हैं, जैसे ये देखिए कि एसएम के बाद ही हमको रिस्पॉन्सिव चाहिए क्या, एमडी के बाद ही रिस्पॉन्सिव चाहिए क्या, और एलजी के बाद, मीन्स डिफरेंट ब्रेक पॉइंट में अगर हमको स्क्रोल चाहिए तो वो हम लोग वो क्लासेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा टेबल का सपोर्ट बूटस्ट्रैप के द्वारा, तो आप एक बार देख लीजिए इसको, प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया हुआ है, आगे और भी टॉपिक्स आएंगे, लाइक बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, यूटिलिटीज हैं, वो डिटेल्स में देखेंगे हम। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।